अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सालेहा के चैनल में आपका बहुत बहुत खुश आमद, वेलकम। तो आज है संडे और संडे को बहुत ब्राइट सनी मॉर्निंग है आज, तो संडे को कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। बच्चे जो है बहुत ज़िद करते हैं मेरे से कि मामा कुछ अच्छा बनाइए, तो आजकल दुनिया में कड़वाहट भी बहुत फैल रही है, तो आज हम कुछ स्वीट बनाएंगे। और स्वीट मैं ऐसा स्वीट रखूँगी कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी खा सकेंगे। तो आज आइए, आज मैं आपको सिखाती हूँ स्वीट, और जिसको कहते हैं पैनकेक्स। तो आज मैं आपको पैनकेक्स इंग्लिश स्टाइल ब्रेकफास्ट, जो कि मैंने अपने थोड़ा सा अपनी तरीके से मॉडिफाई किया है, वो आपको बनाना सिखाती हूँ। तो पैनकेक बनाने के लिए चाहिए 1 कप हमको फ्लावर, जो हम आटा यूज़ करते हैं, और 4 अंडे, और थोड़े 1 कप दूध, जितना आटा होगा उतना ही दूध होगा, और वनीला एसेंस, और थोड़ा सा नारियल का बुरादा। तो सबसे पहले हम आटा ले लेते हैं, फिर इसमें हम अंडे मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये फ्लावर है, इसमें हमने 4 अंडे मिक्स कर दिए हैं, और 2 कप हमने इसमें दूध डाला है। अब हम इस बैटर को मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर में 4 टीस्पून, क्योंकि ये बहुत सारा है तो 4 टीस्पून बहुत हल्की शुगर रहेगी, आप फिक्र ना करें, ये इट्स लाइट, और अगर आपको और लाइट रखना है तो आप और कम शुगर डाल सकते हैं। और इसके बाद वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस से जो खुशबू आएगी उससे स्वीट स्वीट स्मेल रहेगी आपको, जो है ज़्यादा शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको लाइट शुगर के साथ स्वीट स्वीट स्मेलिंग रहेगा, तो इस वजह से आपको ज़्यादा शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से ये मिक्सचर में बहुत अच्छा सा रहेगा, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि इसमें शुगर कम रहेगी, वनीला एसेंस की वजह से आपको हल्का शुगर भी खाएंगे तो भी सही लगेगा। अब हमने इसमें 2 स्कूप डेसिकेटेड कोकोनट डाल लिया है। अब हम इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे फोक्स। अब 3 टीस्पून बटर लें और उसको मेल्ट होने के लिए माइक्रोवेव में रख दें। ये रहा 1, और ये बटर लिया हमने 3 टीस्पून हमने बटर लिया, इसको हम मेल्ट होने के लिए माइक्रोवेव में रख देते हैं। ये देखिए, ये बटर मेल्ट हो गया है, अब इस बटर को हम इसमें डाल देंगे। ये 3 टीस्पून बटर है, ज़्यादा मतलब जैसे फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए होता है, तो अब इसमें फ्राई करने के लिए ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बटर को हम मिक्स कर लेंगे इस मिक्सचर में अच्छे से, मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है, कोई लंप नहीं है, ये बैटर हमारा मिक्स हो गया है। अब हम पैनकेक बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने अपना पैन धो लिया है, गैस ऑन कर दी है, अभी हमारा पैन सूख जाएगा, तो हम
पैनकेक बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हमारा पैन सूख गया है, सबसे पहले हम आंच लाइट करेंगे क्योंकि अब हम बैटर डालने वाले हैं। ये हमने पैनकेक का बैटर स्प्रेड कर लिया, इसमें बटर भी है तो आपको ऊपर से ऑयल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत लाइट शुगर है और अगर आपको थोड़ा सा शुगर की प्रॉब्लम है तो आप इससे भी लाइट कर सकते हैं। मैंने इतने सारे मिक्सचर में सिर्फ 3 स्पून शुगर डाली है। वनीला एसेंस की वजह से कम शुगर होने के बावजूद स्वीट स्वीट सा लगेगा और बहुत अच्छी अरोमा रहती है इसमें। अब इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए हमने तो गाइज, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई भी क्रिटिसिज्म हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए आप ये भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे नई डिशेस लेके आपके लिए फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।